गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? मैम गुड मॉर्निंग. मैम गुड मॉर्निंग. वी आर फाइन. व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन मैम. एंड गुड मॉर्निंग. वी आर फाइन. व्हाट अबाउट यू? यस बट आई एम आल्सो फाइन एंड आई वेलकम टू ऑल इन दिस लर्निंग सेशन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज सेशन. इस हम आज क्या करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 13. तो हमने जो चैप्टर नंबर 13 बुक ए में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है हम सभी ने. एंड आई होप मैम बुक ए का भी हो गया था बुक ए का कंप्लीट हो चुका है. तो आज हम सभी को बुक बी स्टार्ट करनी है. एंड आई होप सभी को समझ आ गया होगा. यस मैम. हैव यू एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? नो मैम. नो. ओके चले तो नो मैम. एंड एक्सरसाइज भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इट इज सो वेरी इजी. अगर चैप्टर को समझ आ गया होगा ना आप सभी को, चैप्टर को अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे, तो ये बहुत ही इजी है. मैम ड्रॉ करना. यस मैम. इसमें ज्यादा ड्रॉ करना है. यस ज्यादातर तो ड्राइंग बनानी है. यस मैम. ए में आपको एक भी ड्राइंग नहीं दी थी, तो आप बुक बी में सारी ड्राइंग कम्प्लीट करनी है. अभी आप एक भी ड्राइंग नहीं दी थी. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मून अपीयर्स डिफरेंट ईच डे, व्हाई? मैम द मून अपीयर्स डिफरेंट ईच डे, व्हाई? कौन बताएगा इसका आंसर? यस शो मी योर हैंड. ओनली शान्विका का हैंड, शान्विका ने हैंड शो किया है बस. फर्स्ट आज फिलहाल शुरुआत अच्छी नहीं रही. कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. तो आज कितनी प्रिपरेशन करके आए आप लोग, वो शो हो रहा है. ये शान्विका नाउ यू टेल बेटा. मैम आई टेल. मैम दी मैं different each day because it rotates through the earth. So ma'am, when the sunlight of the sun goes on the moon more, it appears more. And when the sunlight goes on the little, so it appears a little. So from this process every day it different shape. Okay Shandika, well tried. Yes Aman, now you tell. May I tell? Ma'am, the revolution of the moon around the earth makes the moon appear as if it changing shape in the sky on the different day, different extents of its illuminated part are visible from the earth. Melton. And Savitri, now you tell. The revolution of the moon around the earth revolution makes... Revolution. Revolution. Yes. The revolution on the moon around the earth make the moon appear as if it is changing shape in the sky on different days, different extent of its illuminated part are visible from the earth. Still, yes. ओके वेल ट्राइड. अब हम आते हैं एक बार टॉपिक पे देख लेते हैं. तो हमें कहाँ दिया था? फेसेस ऑफ द मून 133. फेसेस ऑफ द मून के डेफिनेशन नहीं दिए मैम. दिया मैम. मैम यहाँ पे है. मैम है ये रहा. 133 ये वाला है ना? यस मैम. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें लिखना कितना है इसमें से, और हम कुछ अलग से भी ऐड कर सकते हैं फिलहाल. तो द सन ऑलवेज इल्यूमिनेट्स एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मून सरफेस.
तो ये तो हमें बताया है कि जो सन एग्जैक्टली मून के हाफ पार्ट को तो हमेशा ही इल्यूमिनेट करता है, हमेशा ही उसके एक पार्ट को क्या कहते हैं रोशनी देता है उसके हाफ पार्ट पे. द रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ मेक्स द मून अपीयर एज इफ इट इज चेंजिंग शेप इन द स्काई. तो अब जो इसकी रिवॉल्यूशन है दैट मीन्स जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है और इसी की वजह से जो मून का शेप है वो चेंज होता रहता है. एंड ऑन डिफरेंट डे डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑफ इट्स इल्यूमिनेटेड पार्ट आर विजिबल फ्रॉम द अर्थ. और अलग अलग दिन इसके जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इल्यूमिनेटेड पार्ट है उन्हें हम लोग देख पाते हैं. एंड दिस विजिबली चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ मून. तो ये आप लोग इतना लिख सकते हैं, इसमें बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया हुआ है. ओके यस मैम. चलिए अभी हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. तो सेकंड में तो डायग्राम बनाने को बोला है फिलहाल. यस गो एंड लेबल द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून इन दिस बॉक्स. तो आपको क्या करना है, मून के फेसेस का डायग्राम ड्रॉ करना है एंड बोला है लेबल दैट मींस कि नाम के साथ बताना है उसे. तो आप क्या करेंगे, जो मून के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं जैसे कि फुल मून, न्यू मून, क्रिसेंट मून, गिब्बस मून, इन सभी को क्या करना है आपको ड्रॉ करना है एंड उनके नाम के साथ. ओके विद देयर नेम्स. चलिए तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. हाउ डू टाइड्स अकर. यस वू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. शो मी योर हैंड. अमन, अनिल, शान्विका, बस इतने ही बच्चों ने हैंड शो किया है. यस अनिल, नाउ यू टेल बेटा. मैम द टाइड सकर, हाई टाइड सकर ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर एंड लो टाइड सकर व्हेन द मून इज अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके वेल ट्राइड. यस सावित्री, नाउ यू टेल. मैम द हाई टाइड अकर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून व्हेन दे come closer to each other is low tides. Okay, low Ruchi. Tides. Yes, Ruchi, now you tell. High tide occur due to a strong attraction between the earth and the moon when they are come closer to each other. Low tide occur when the moon is away from the earth. Yes, Aman, now you tell. Yes, Aman. When the moon and the sun exert gravitational force on gravitational pull on the earth. However, since the moon is closer to earth than the sun, the moon exerts a strong pull. This causes the water in the seas and oceans to rise. And the gravitational force of the moon divides into two parts, high tide and low tide. High tide occurs due to strong attraction between the earth and the moon, and low tide occurs when the low attraction between the earth and the moon. Very good. Yes, Tanishka, now you tell. Ma'am, high tide occurs due to the strong attraction between the earth and the moon when they come closer to each other, and ma'am, low tide occurs when the moon is away from the earth. Yes, Shanvika, now you tell. Ma'am, the tide occurred through the great attraction between in oceans, between water and between water can see to the moon. Ma'am, when came closer to the oceans, the ocean, river or seas, it caused tides. Very good.
चलिए, तो अभी फिलहाल बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दिया है. आपको पता है मैंने ये क्वेश्चन को इतनी टाइम रिपीट क्यों किया? क्योंकि इसमें आप लोग एक माइनर मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत ही छोटे से मिस्टेक. और वो क्या है, आपसे केवल बेटा टाइड के बारे में पूछा है, ये नहीं पूछा टाइड्स कितने टाइप्स की होती हैं. तो मोस्टली स्टूडेंट, फिलहाल सबने नहीं बोला है, लेकिन द मोस्टली स्टूडेंट आर टेल अबाउट हाउ लो टाइड एंड हाई टाइड. तो आपको इन दोनों के बारे में नहीं बताना है. अगर आपसे पूछा नहीं है तो आप लोग क्यों बताएंगे उनके बारे में? आपसे केवल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टाइड्स क्यों आती है, कैसे आती है, तो आपको टाइड्स के बारे में ही बताना है. यस मैम. यस, तो एक बार इसके क्वेश्चंस पे आते हैं. एक बार इस टॉपिक पे कहां पर दिया है हमें इसके बारे में टाइड्स? मैम पे. यस, तो टाइड्स क्यों आती है? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हाउ डू टाइड्स अकर. तो टाइड्स अकर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट बाय द मून ऑन द अर्थ. तो मून अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है और इसकी वजह से ही टाइड्स आती है. अब बात यह आती है कि हमारा सन भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है, तब अगर सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है तो टाइड्स नहीं आनी चाहिए. लेकिन अब हमें इसके बारे में भी बताया था, देखिए आगे इसी बिल्कुल नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट लाइन में इसको भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है. देखिए, द मून एंड द सन एग्जर्ट ग्रेविटेशनल पुल्स ऑन द अर्थ. दोनों ही अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स डालते हैं. बट सिंस द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, बट जो मून है वो ज्यादा क्लोज है अर्थ के, एंड दैट इज वाई द मून एग्जर्ट अ स्ट्रॉन्गर पुल. और इसलिए जो मून जो फोर्स लगाता है, दिस इज स्ट्रॉन्गर फोर्स. तो उसका जो फोर्स, जो वो फोर्स लगाता है वो ज्यादा पावरफुल होता है. एंड दिस इज बिकॉज द दिस काउज द वॉटर इन द सीज एंड ओशन टू राइज एंड दिस इज नोन एज टाइड. ओके, तो आपको क्या लिखना है, द मून एंड द सन एग्जर्ट ग्रेविटेशनल पुल्स ऑन द अर्थ एंड द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, सो द मून एग्जर्ट अ स्ट्रॉन्गर पुल. And these cause the water in the seas and oceans to rise, and this is known as tide. Okay? Yes, सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. मैं एक बार दोबारा. चलिए एक बार मैं फिर से repeat करती हूँ. Yes. Ma'am, the moon से लेकर. I repeat my answer. मतलब ये एक बार फिर से देखिए. मैं फिर से एक बार उसी आंसर को सेम एक्लिप्स वाला टॉपिक. यस, तो टाइड्स के बारे में हमें देखिए बताना है. तो कहां से स्टार्ट करना है हमें, तो यहां से द मून एंड द सन एग्जर्ट ग्रेविटेशनल पुल्स ऑन द अर्थ. तो अब हम सभी जानते हैं कि अर्थ एंड जो हमारा मून है एंड जो सन है, दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं. Okay, since the moon is closer to the earth than the sun, so the moon exerts a stronger pull. तो जो moon है वो हमारी earth के ज्यादा करीब है according to sun. Sun के बजाय जो moon है वो ज्यादा हमारे earth के close है, and that is why the moon exerts a stronger pull. वो ज्यादा powerful बल लगाते हैं, and this is caused the water in the seas and ocean to rise. और इसकी वजह से जो सी एंड ओशियन में जो वाटर है वो राइज अप होता है, ऊपर उठता है, नीचे जाता है, एंड दिस इज नोन एज टाइड. ओके, यस मैम. यस मैम. चलिए, तो अभी हम आते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है हमारी. 13.1 कंप्लीट हो गई है, 13.2 पे आते हैं अभी. 13.2. यस, एक्लिप्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड, 13.2 टाइटल इज एक्लिप्स. तो ये टॉपिक भी आप सभी को क्लियर है? यस. अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है. राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ सोलर एक्लिप्स एंड अ ल्यूनर एक्लिप्स. तो आपको डिफरेंट बताना है, दो डिफरेंट कौन कौन से हैं. यस, चलिए, तो कौन किससे स्टार्ट किया जाए, कौन बताएगा सबसे पहले? What is the difference between solar eclipse and lunar eclipse? Anupriya, now you tell me. Sir, ma'am, a solar eclipse occurs.
Yes, Anil, now you tell. Ma'am, a solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth and casts its shadow on the earth. Earth and the lunar eclipse occurs when the earth comes between the sun and the moon and casts its shadow on the moon. And Michael? Yes, Aman. Savitri, now you tell. Ma'am, a solar eclipse occur when the moon comes between the sun and the earth and casts its shadow on the earth, and a lunar eclipse occurs when the earth comes between the sun and the moon and casts its shadow on the moon. Yes, Shanvika, now you tell. Ma'am, two different solar and lunar eclipse. Solar eclipse is called when. Ma'am, solar eclipse are when. I tell. Yes, Aman. Ma'am, a solar eclipse occurs when the moon comes between the earth, sun and the earth, but the lunar eclipse occurs when the earth comes between the sun and the moon. And we should never look directly at the sun with our eye because it damages our eye, but in lunar eclipse, the moon is not damaged eye. Yes, well tried. चलिए तो first जो different है ना, पहला different तो आपके recap में ही दिया हुआ है, दोनों के बीच में different दिया हुआ है. First point आप लोग बिल्कुल same as notice लिख सकते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है ना इसमें recap में. Yes ma'am. Solar eclipse and lunar eclipse. तो solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth. और इसमें क्या different हो जाएगा? बीच में सेंटर में कौन आ जाएगा? अर्थ. द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. एंड सेकंड डिफरेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो ल्यूनर एक्लिप्स है, दिस अकर्स ओनली फुल मून डे. ये ओनली फुल मून डे पे होता है. यस मैम, लूनर एक्लिप्स ऑलवेज अकर्स ऑन अ फुल मून. मैम, अ लूनर एक्लिप्स ऑलवेज अकर्स, बट अ सोलर एक्लिप्स डज नॉट ऑलवेज अकर ऑन अ फुल मून. यस यस, तो ये मेजर डिफरेंस है, इसको जरूर नोटिस करना है. ओके यस मैम. तो जो लूनर एक्लिप्स आपका, ये हमेशा कब होता है? दिस इज ऑलवेज अकर्स ऑन द फुल मून डे. ये हमेशा ही पूर्णिमा वाले दिन होता है, मैंने आपको बताया था. यस मैम. बट सोलर एक्लिप्स ऐसा नहीं है, उसमें कंफर्म नहीं है कि ये उसी दिन होगा. ये फुल मून या न्यू मून, ये बीच में किसी भी दिन पे हो सकता है. ओके यस मैम. तो आई होप आप सभी इनके बीच में दो डिफरेंसेस लिख लेंगे. मैम फिर ड्रा करना है. उसके बाद क्या करना है आपको? नेक्स्ट पिक्चर में डायग्राम ड्रॉ करना है सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स के लिए. तो सोलर एक्लिप्स में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. बिल्कुल सेम पिक्चर दी हुई है आपको ऊपर, ड्रॉ कर लेंगे. बन ड्रॉ कर लेंगे सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स की. चलिए ड्रॉ कर लेंगे. अभी हमारा 13.1 13.2 कंप्लीट हो चुका है. अभी 13.3 पे आते हैं क्योंकि इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. लेकिन ये जो 13.3 है ना, दिस इज द स्टार एक्सरसाइज. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी में पूछे गए हैं. चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, राइट अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप. यस, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच. Yes, beta, who tell the answer of this question? Show me your hand. No one. But the moon is a neutral. आज अनुप्रिया नहीं पढ़ रही है ढंग से. पिछली नेक्स्ट क्लास, बाकी पिछली क्लासेस में ना अनुप्रिया हर क्वेश्चन में हैंड शो करती थी, आज नहीं दिख रहा है.
Yes. Tanishka, now you tell better. Difference between natural and artificial satellite. Tanishka, beta, first you on your mic. Ma'am, artificial satellite are special man-made object that orbit the Earth. And ma'am, the natural satellite of the Earth, artificial satellite also revolve around the Earth. Okay, very good. Yes, Aman, now you tell. Ma'am, artificial satellites are especially made by man-made objects that orbit the Earth. For example, but the natural satellites not made by human. For example, moon. Okay, Ruchi, now you tell. Artificial satellites are especially man-made object that orbit the Earth, but the natural satellite is made by nature, for example, moon and sun. Yes, Shanvika, now you tell. Ma'am, the man-made satellite called artificial satellite from which the cable in our homes, the connection is it. Like the natural satellite is made by nature. For example, moon, it only rounds the sun. It only rounds the Earth. Very good. And not information about it. वेरी गुड शन्विका. तो देखिए सब अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना ये सबसे इजी है. फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको डिफरेंट बताना है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो सेम बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो नेचुरल सैटेलाइट आर मेड बाय नेचर एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. So these satellites are made by nature is known as natural satellite and example moon. And dusra kya batana hai, artificial satellite that are made by human being. And example hota hai ga Aryabhatta. To kitna easy answer hai iska, kuch likhna hi nahi hai idhar udhar ka. Bina dekhe hum log likh sakte hain, bina wo page turnover ke, bina chapter ki taraf aaye hum iska answer likh sakte hain. Yes, ma'am. चलिए अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नासा. यस विकास, नाउ यू टेल बेटा. मैं टेल. यस विकास. विकास क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, विकास की आवाज भी नहीं आ रही है प्रॉपर. Ma'am, National Alternative and Space Administration. This organization belongs to USA and promoted space programs. Explore One was the satellite that NASA launches January 1958. Very good. Yes, Anupriya, now you tell. Yes, Anupriya. Ma'am, the program National Astronomical and organization belongs to the USA and promotes space program. And was the first satellite that NASA launched in January 1958. Ma'am, may I tell? Yes, Tanishka, now you tell. Ma'am, NASA is an organization belongs to the USA and promotes the space program. The Explorer 1 was the first satellite that NASA launched in January 1958. Very good. So, yani ki is question ka answer sabhi kar lenge. What is NASA? Yes, ma'am. इस अभी अब आपको एक चीज बतानी थी. अभी पता है फिलहाल में ये कार लॉन्च हुई है, फ्लाइंग कार, उड़ने वाली कार,
जैसे एरोप्लेन फ्लाइंग करता है ना, उड़ता है, सेम ऐसे ही कार लॉन्च की गई है. अभी फिलहाल वो अभी हम सभी के सामने नहीं शो होगी. आपको पता है कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? यूएसए ने. मैम यूएसए ने. मैम नासा की कंपनी ने. एक ही फिलहाल एक ही कंट्री है जो कर सकती है. कौन है सबसे ज्यादा पॉपुलर? अमेरिका. मैम अमेरिका. यस अमेरिका. तो आपको पता है वो फ्लाइंग कार उन्होंने बना तो ली, लेकिन अभी उसको सब लोग नहीं चलाएंगे. दैट मीन्स कि जो वहां के पीपल है ना, जो लोग रहते हैं, वो नहीं चलाएंगे. अभी उसे केवल किसको चलाने के लिए बोला जाएगा? पायलट्स वगैरह को. अभी फैब में ही बनाई है उन्होंने, फैब में ही रेडी की है. मैम कौन सी कंट्री में है? अमेरिका ने. मैम कौन सी कंट्री में लॉन्च किया है? अमेरिका. अमेरिका के साइंटिस्ट ने बनाई है, तो सबसे पहले अप्रूवल भी कहाँ के लोगों को मिलेगा? अमेरिका. अभी बाकी साइंटिस्ट तो जब देखेंगे, जानेंगे कैसे बनाया गया उसे, तभी तो बनाएंगे. चलिए तो अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट आर वेदर सैटेलाइट? व्हाट इज वेदर सैटेलाइट? यस मैटेल. मैटेल. यस और information about the weather. This called weather satellite. For example, storm, cyclone, flood, and moving glaciers. Is a class. चलिए next तनिष्का, now you tell बेटा. Ma'am, the weather satellite help predict the weather and give us information on storm, cyclone, floods and moving glaciers. Divya, now you tell better. Yes, Divya. Divya ki bhi awaaz nahi aa rahi aaj. Yes, Atul, now you tell. Yes, Atul. Ma'am. Ma'am, Michael. Yes, aur kaun batayega? Yes, Ruchi, now you tell better. The satellite helps them predict weather and give the information about storm, cyclone, flood and moving glaciers. These are known as weather satellites. Okay, Ruch, yes, Anil, now you tell. Ma'am, weather satellites are the satellites that help predict weather and give us information on storms, cyclones, floods, and moving glaciers. These are known as weather satellites. Okay, तो weather satellite के बारे में क्या लिखना है? देखिए अभी आपको फिलहाल यहाँ से तो आ जाएगा. Weather satellites helps predict weather and gives us information on storm, cyclone, flood and moving glaciers. तो weather satellite हमें weather की information देती है, कोई भी चीजें क्या आने वाली है, cyclone आने वाला है, storm आने वाला है, ये इन सारी चीजों की information कौन देता है हमें? weather satellite. अब एक चीज आपको और add करनी है, अगर आप लोग फिलहाल याद हो जाएगा ये इसी के साथ ही, तो कौन सी दो weather satellite है जो use की गई है? तो देखिए इनके example है, सबसे पहली है polar कवरिंग, और ये ऐसी सैटेलाइट है जो पूरे अर्थ के चारों तरफ राउंड करती है. मैम यानी कि जो अभी मैं आपको बताती हूँ, पोलर कवरिंग. पोलर तो ये एक वेदर सैटेलाइट है, एंड ये क्या करती है, पूरे अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है, इसी के आसपास राउंड राउंड. तो ये है पोलर कवरिंग, जो एंटायर अर्थ का पूरा
पूरा का पूरा जो वेदर इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास तक प्रोवाइड करती है. एंड सेकंड है जियो स्टेशनरी, ये कहाँ रहती है? ओनली इक्वेटर पे. अभी आप लोगों को इक्वेटर नहीं मालूम है फिलहाल. इक्वेटर क्या होता है मालूम है किसी को? मैम जो बीचला मैम जो बीच मैम बीच में होता है. यस मैम अमेज़न रिवर मैम बीचला पार्ट. यस मैम बीचला पार्ट. यस मैं आपको फिलहाल अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा इक्वेटर क्या है, बाकी सारी चीजें क्या है. नेक्स्ट चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं. तो इक्वेटर यानी कि वो लाइन जो हमारी अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है. यानी कि अगर हम एक सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें और हमारी अर्थ के दो टुकड़े हो जाएं, तो ये जो सेंटर लाइन होगी बीच में जो इक्वेटर को दो हेमिस्फीयर में हाफ हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगी, दिस इज नोन एज इक्वेटर. ओके यस मैम. यस मैम. ये जो दूसरी वाली जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी ये यही रहती है इक्वेटर के पास. जियो स्टेशनरी मैम स्पेलिंग क्या है जियो स्टेशनरी की? JIO GEO STAI स्टेशनरी लिखना है ना. STAI TIONARY. यस. तो चलिए आज का ये आपका पूरा होमवर्क है 11.3 11.1 11.2 एंड 11.3 कर लेंगे सभी. यस मैम. किसी को कोई डाउट? यस मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में. मैम वर्ड मीनिंग सेंड कर दीजिए. यस मैम. मैं वर्ड मीनिंग सेंड कर दी. यस बेटा वर्ड मीनिंग फिलहाल अभी मैंने वर्ड मीनिंग लिखी नहीं है इस बार. अब मैं आज अभी लिखूंगी जस्ट आपकी क्लास एंड होने के बाद, उसके बाद मैं सेंड करूंगी. ओके. यस मैम. यस सर. चलिए तो आज के लिए इतना ही. एंड नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने आप सबको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको आप क्लासेस के पहले देखिए वो चैप्टर हमें पढ़ना है और वो चैप्टर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि सेम चैप्टर आपकी. तो बेटा आपको वही सेम चैप्टर ना सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास में भी पढ़ना है जो अभी अगला वाला है ना नेक्स्ट चैप्टर हमारा. तो मैथ के बारे में सिक्स क्लास में और सेवेंथ क्लास में दोनों में पढ़ना है. तो फिलहाल लेकिन हम आपको ये बिल्कुल 100% ये गारंटी है कि आपको इसी क्लास में वो चैप्टर समझ आ जाएगा. एंड नेक्स्ट क्लास में आपको वो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही सारी नॉलेज रहेगी, लेकिन आप सभी को पढ़ना पड़ेगा तब. ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से 100% गारंटी ले रही हूँ आप लोग पढ़े ही ना, तो ऐसा थोड़ी होगा मैम. यस मैम. चलिए तो आज के लिए आपका होमवर्क है. ओके स्टूडेंट. तो नेक्स्ट क्लास से हम अपनी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैप्स एंड ग्लोब. यस मैम. ओके स्टूडेंट गुड बाय एवरीवन. यस मैम. गुड बाय. गुड बाय. गुड बाय. मैम गुड बाय.